नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JKP चैनल पर। आज मैं BCOM सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जनरल वाले स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सब्जेक्ट का पांचवा यूनिट यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ प्रॉब्लम आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 12 करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बेहद आसान है। ये जो है तीन हेडिंग में बनाया जाता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे नंबर पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरे नंबर पर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, वर्किंग कैपिटल यानी कि करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी का डिटेल लिखा जाता है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट का डिटेल, फिक्स एसेट बढ़ रहा है या घट रहा है देखकर परचेस या सेल लिखा जाता है। उसके बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर कैपिटल वगैरह का डिटेल लिखा जाता है। एक बात याद रखिए, अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो आप उसे प्लस कीजिए, यानी कि पैसा बढ़ेगा लायबिलिटी बढ़ेगी तो, और लायबिलिटी कम होती है तो माइनस कीजिए। एसेट के साथ बिल्कुल उल्टा है, चाहे वो फिक्स एसेट हो या करेंट एसेट हो, अगर कभी वो बढ़ती है तो समझिएगा कि कैश हमारा जा रहा है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, अगर कभी पहले साल वो 1 लाख है, दूसरे साल अगर वो 4 लाख है, तो हम ये समझेंगे कि 3 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया। अब खरीदने से तो कैश चले जाएगा, तो अगर कभी कोई भी एसेट बढ़ता है तो उसे कैश जा रहा समझकर लेस कीजिए, और अगर कभी एसेट कम होता है तो उसे प्लस कीजिए। ये बात आप याद रखिए, ये पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अप्लाई होगा। मैं अभी आपको प्रॉब्लम नंबर 12 करके दिखाता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैपिटल दिया, रिजर्व दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक लोन, SBI लोन, क्रेडिटर और टैक्सेशन वगैरह दिया, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर। फिक्स एसेट कम हो रहा है देखिए, तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो हम फिक्स एसेट बेच दिए होंगे या फिर डिप्रिशिएशन हो गया होगा। स्टॉक, डेटर, कैश, इन्वेस्टमेंट, गुडविल वगैरह। एडजस्टमेंट में देखिएगा, 1993 द कंपनी पेड ए डिविडेंड 50,000, एडिशनल शेयर 1 लाख रुपी हैव बीन इश्यूड। वैसे तो यहाँ पर देखने से ही लग रहा था 5 लाख से 6 लाख हो गया, यानी कि इशू करे होंगे शेयर। ड्यूरिंग 1993 द कंपनी पेड इनकम टैक्स 45,000। पिछले साल है सो इनकम टैक्स पेमेंट करें हम 45,000 का, इसके ऊपर ऑलरेडी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, तो इसका अकाउंट बना लेना अच्छा रहता। सबसे पहले चलिए मैं इसका अकाउंट ही आपको दिखाता हूँ। तो टैक्स एक लायबिलिटी है, इसीलिए यहाँ से शुरू कीजिएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और बैलेंस कैरी डाउन यानी कि पिछले साल का ये है अमाउंट 50,000 सेम। अब एडजस्टमेंट में आपको देखिए, टैक्स पेड दिया है या मेड दिया है, अगर कभी पेड दिया है तो यहाँ लिखिए कैश यानी कि टैक्स पेड, अमाउंट है 45,000, 95,000 टोटल, और इसका डिफरेंस आएगा 45,000। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है टैक्स प्रोविज़न, टैक्स प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर, डिफरेंस अमाउंट भी 45,000 ही आएगा। अब ये 45,000 को देखिए मैं कहाँ पर लिखता हूँ, तो चलिए प्रॉब्लम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, तो सबसे पहले लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखिए 50,000 से 52,000 हो गया, यानी कि 2,000 बढ़ गया है। इसके बाद में नॉन कैश ट्रांजैक्शन जोड़िए, जैसे कि जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बढ़ रहा है या घट रहा है देखिए, बढ़ रहा है 20,000 से 40,000, यानी कि 20,000 बढ़ गया। इसके बाद में गुडविल देखिएगा आप, गुडविल एक एसेट है, अगर एसेट कम होती है तो प्लस करेंगे, बढ़ती है तो माइनस करेंगे। गुडविल कम हो रही है 87 से 74, यानी कि 13,000 कम, तो अच्छी बात है, प्लस करना है। इसके बाद में हाँ, वो टैक्सेशन हम कैलकुलेट करे थे ना, 45,000 ये रहा देखिए, ये वाला यहाँ पर लिखिएगा टैक्स प्रोविजन मेड, ये है 45,000। इसके अलावा डिविडेंड दिया प्रॉब्लम में, और वो डिविडेंड का अमाउंट है 50,000,
ये भी डिविडेंड मेड ड्यूरिंग द ईयर है। हाँ, इसके अलावा डिप्रिशिएशन। प्रॉब्लम में फिक्स एसेट की वैल्यू जो है दो लाख रुपए कम हो रही है, इसे हम सेल भी समझ सकते या डिप्रिशिएशन भी समझ सकते। क्लियरली कुछ तो मेंशन करा नहीं, इसीलिए मैं इसे डिप्रिशिएशन मान रहा हूँ, 2 लाख रुपए का डिफरेंस। तो अब इन पूरों का टोटल देखिएगा कितना हुआ है, तो इसका टोटल है 3,28,000। ये जोड़ने पर हो जाएगा 3,30,000। ये है हमारा कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल, कैश बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब हम करेंगे ऐड इंक्रीज इन वर्किंग इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। कितने करेंट लायबिलिटी है जो बढ़ रहे हैं और कितने करेंट एसेट है जो घट रहे हैं, तो देखिए आप। सबसे पहले क्रेडिटर, क्रेडिटर की वैल्यू देखिए बढ़ रही है 8,500, 71,500 से 80,000, मतलब 8,500। और कितने करेंट एसेट्स है जो घट रहे हैं, जैसे कि स्टॉक देखिएगा, स्टॉक की वैल्यू 80,000 कम हो रही है बराबर। तो इन दोनों का टोटल हुआ 88,500। तो अब ये टोटल क्या हो जाएगा, 4,18,500। चलिए अब डिक्रीज इन करेंट एसेट, सॉरी करेंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करेंट एसेट। अब कितने करेंट लायबिलिटी है जो घट रहे हैं और कितने करेंट एसेट है जो बढ़ रहे हैं देखिएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम में देखिए, कोई भी करेंट लायबिलिटी तो बची ही नहीं। हाँ, डेटर देखिएगा, डेटर एसेट है जो बढ़ रहा है, डेटर है जो बढ़ रहा है 1,10,000। ये लेस होगा, ये लेस होने के बाद देखिए कितना आएगा आंसर, 3,08,500। ये है कैश बिफोर टैक्स। अब हम लेस करेंगे टैक्स, टैक्स पेड। आपको याद है हम टैक्स का अकाउंट बनाए थे, तो हम जो अकाउंट बनाए थे उसमें टैक्स पेड, पेड वाला अमाउंट अब यहाँ पर लिखना है। और ये मेड वाला अमाउंट हम लिखे थे ना वहाँ पर, मेड वाला अमाउंट यहाँ पर लिखे थे, पेड वाला अमाउंट यहाँ पर लिखना है। चलिए मैं लिखता हूँ 45,000। अब ये 45,000 लेस करने पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा 2,63,500। ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर हमारा पहला हेडिंग खत्म हो गया, पहला पड़ाव पूरा हो गया। अभी इसके आगे हमें करना है दूसरा हेडिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक है इन्वेस्टमेंट। अगर कभी एसेट बढ़ रहा है तो उसे परचेस समझिएगा, अगर घट रहा है तो सेल समझिएगा। परचेस होने से पैसे आपके चले जाएंगे, यानी कि माइनस। जैसे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखिए, पिछले साल तो कुछ भी नहीं है, अगले साल 2 लाख है, यानी कि परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ना, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। पिछले साल तो था ही नहीं, इस बार 2 लाख आ गया, यानी कि इस साल हम खरीदे, तो इसका टोटल है 2 लाख रुपी, पूरा का पूरा माइनस। एसेट के बढ़ने को हम माइनस समझते हैं। तीसरा हेडिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शेयर कैपिटल का डिटेल लिखा जाता। सबसे पहले शेयर कैपिटल देखेंगे, शेयर कैपिटल देखिए 5 लाख से 6 लाख हो रहा है, यानी कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख रुपी। लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो प्लस। इसके अलावा बैंक लोन देखिए, घट रहा है बैंक लोन,
यानी कि बैंक लोन हम पेमेंट कर दिए होंगे, कैश चले गया तो माइनस करना, वो है 1,10,500 डिफरेंस, 1,10,500 नेगेटिव। इसके बाद में लोन फ्रॉम SBI, ये भी कम हो रहा है 50,000 से 30,000, यानी कि हम पेमेंट कर दिए होंगे 20,000 लोन फ्रॉम SBI, 20,000। इसके अलावा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड का अमाउंट है 50,000, ये भी यहाँ पर लिख के माइनस कर लेना। तो इन सब का टोटल आंसर देखिएगा कितना आ रहा है, 80,500, वो भी माइनस में नेगेटिव। चलिए इसके आगे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। अब तीनों के कंप्लीट हो जाने के बाद में आप बनाइए कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का टोटल, मतलब कि पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें आंसर आया था 2,63,500 प्लस में, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर हमें नेगेटिव आया 2,00,000 रुपी, और आखिरी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी नेगेटिव आया 80,500 रुपीज़। तो इन तीनों का टोटल कुल मिलाकर हमें आ रहा है 17,000 नेगेटिव में। इसके साथ हम ऐड करेंगे कैश एट द बिगिनिंग, कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग। कैश का हमारा ओपनिंग बैलेंस देखिए 55,000 है, इन दोनों को प्लस करने के बाद देखिएगा 38,000। क्या कैश एट द एंड यही है? अगर यही है तो आपका आंसर करेक्ट है, कैश एट द एंड। ये देखिए कैश एट द एंड 38,000 है, यानी कि आपने जो किया अब तक बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉल्व किया जाता है। एक और प्रॉब्लम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।